आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शाह आलम उल्फत ने गुरुवार को नगर के एक प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान साफ प्रदर्शित करता है कि वर्तमान सरकार में केवल ठाकुरों का बोलबाला है। बीजेपी के बेबस विधायक के बयान बता रहा है कि चाह कर भी एक पीड़ित वैश्य परिवार की बेटी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अपराध एवं अपराधी की कोई जात मजहब नहीं होती, लेकिन योगी राज में अपराधी की जात देखकर कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा था, जिस पर योगी सरकार बौखलाकर मुकदमे दर्ज करवाने लगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वैश्य दलित पिछड़ा सहित तमाम जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बनकर रह गया है। पत्रकारों की हत्याएं एवं उत्पीड़न आम बात हो गई है। कोविड-19 में भी भारी अनियमितताएं हो रही। गरीब इलाज एवं दवा के अभाव में तड़प कर मर रहा। आज एक बार फिर साबित हो गया है कि योगी सरकार जातिवादी सरकार है। योगी ठाकुरों के नेता हैं, उनके लिए काम करें, लेकिन बाकी 94% जनता के साथ अन्याय न करें। देखें ये रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से निर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के उस कथन की पुष्टि कर दिया जिसमें आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ठाकुर बिरादरी की सरकार चल रही है, एक बिरादरी की सरकार चल रही है, बाकी जातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज राधा मोहन दास दुबे, जो गोरखपुर के विधायक हैं, उन्होंने उसकी पुष्टि कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वैश्य समाज की लड़कियों के ऊपर ठाकुर समाज के लड़कों द्वारा 3-4 महीने से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके ऊपर अभद्रता की जा रही थी, और उसको लेकर के जब वो कोतवाली में गए, पुलिस के पास गए, तो उनको 2 दिन से बैठाए रखा गया है और उनके साथ कोई न्याय नहीं किया गया। जब इसकी पैरवी विधायक जी से परिवार ने किया, तो परिवार विधायक जी ने स्पष्ट कहा कि वहाँ का इंस्पेक्टर भी ठाकुर है और ठाकुरों का मामला है, इसलिए तुम बनिया हो, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो सकता। तो आम आदमी पार्टी का जो कथन था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक बिरादरी की सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एसटीएफ को बताया था कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, उस पर योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी उद्वेलित हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे आम आदमी पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं के ऊपर कर दिए। आज जब उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार का विधायक उनके आरोपों की पुष्टि करता है, तो सवाल वाजिब बनता है कि उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी। और ये स्पष्ट हो गया आम आदमी पार्टी का कथन कि उत्तर प्रदेश के अंदर वैश्य, बनिया, दलित, पिछड़ा, इसके अलावा भी तमाम बिरादरियां, ठाकुर बिरादरी को छोड़ करके सभी बिरादरियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और उनकी कहीं पूछ नहीं हो रही है, उनकी कहीं पैरवी नहीं हो रही है। उस अन्याय के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, वो आज बात साबित हो गई है। मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते योगी आदित्यनाथ से ये सवाल करता हूँ कि आप 94% जनता को भूलकर सिर्फ 6% ठाकुरों के लिए आप काम करिए, लेकिन 94% जनता भी उत्तर प्रदेश की ही जनता है, उनके भी न्याय में, उनके भी हित में आप काम करिए। भ्रष्टाचार का जहाँ तक आपने सवाल उठाया, तो भ्रष्टाचार तो उच्च कोटि का इस सरकार में हो रहा है और इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, सारी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। जितने भी अधिकारी हैं वो खुलेआम लूट रहे हैं जनता को और कोई अंकुश नहीं है उनके ऊपर। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मामला कोविड-19 का चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, उस पर अब तक कोई इनकी रोकथाम नहीं हो सकी। और उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जिले का जो अस्पताल होता है, सदर हॉस्पिटल जो होता है, वो ICMR अप्रूव्ड होता है भारतीय सरकार का। जिले के अस्पताल की रिपोर्ट को भारत सरकार खुद नहीं मान रही, ये इतना बड़ा सच है कि इस चीज़ को इनके सामने रखा जाता है।
उसको तैयार नहीं एक्सेप्ट करने के लिए ये कहते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कोविड की जांच करा करके आइए, तब हम उस रिपोर्ट को मानेंगे। अपने ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट को ये नहीं मान रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको नहीं मान रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं, जब वो एयरपोर्ट जाते हैं कोविड की जाँच करा के सदर हॉस्पिटल से, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जाता है कि नहीं, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट सदर हॉस्पिटल की नहीं मानोगी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो जाएगा तो 3,000 रुपये उसको जांच का देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे जाहिर है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटलों से सरकार का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है कि 3,000 रुपये एक प्रवासी मजदूर से लेकर के उसकी जांच की जाती है। बिल्कुल, इस पर हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया पूरे मऊ जनपद के अंदर, और तमाम जो भी हॉस्पिटल इनके हैं, जब पेशेंट यहाँ से अन्य बीमारियों का पेशेंट जाता है तो उसको ये अपने यहाँ एडमिट करने को कोई हॉस्पिटल तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि कोरोना की जांच करा करके ही आप हॉस्पिटल में दाखिल होंगे। कोरोना की जांच इनकी 100% गलत हो रही है। जब ये खुद कोविड-19 की जांच को खुद नहीं मान रही है सरकार, तो फिर क्यों मरीजों को परेशान किया जाता है कि आप पहले जाँच कराओ उसके बाद आपको एडमिट किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये आलम है कि वो कोविड-19 की जांच के नाम पे उनके साथ ज़बरदस्त सौदा करते हैं। हॉस्पिटलों में एडमिट के लिए लाख लाख रुपए पहले जमा करा लिए जाते हैं। बनारस से एक रिपोर्ट आई कि वहाँ पे हेरिटेज हॉस्पिटल में किसी मरीज से 1,00,000 रुपए या उससे भी अधिक कहा गया कि पहले जमा करो तब हम तुमको एडमिट करेंगे। तो ये सरकार पूरी तरीके से जनता को पीसना चाहती है, जनता को मारना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरीज कोविड के चक्कर में जो अन्य बीमारियों से मुबतला हैं, गंभीर बीमारियों से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और वो दम तोड़ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तेज़ी के साथ कोविड-19 की रोकथाम के लिए उनका जो मॉडल था, मॉड्यूल जो उन्होंने तैयार किया था, दरअसल कोविड पेशेंट जो होता है, संक्रमण जिसको हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल जो है गिरने लगता है तेज़ी के साथ। तो एक इंस्ट्रूमेंट है पैथोलॉजी में, उसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। उस पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों की घर घर जाकर के जांच की गई, और ऑक्सीजन किसी का अगर कम हो रहा है तो उसको उसके उपाय बताए गए कि आप किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई, उसको वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसी मॉड्यूल के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में गांव स्तर पे 20-20 गांव में टोली बना बना करके पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए लोगों की जांच कर रहे हैं, और उनको जो ज़रूरी सुझाव है वो दे रहे हैं। प्रत्येक आदमी की पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है, और अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको ये सुझाव दिया जाता है कि आप इस तरीके से अपने ऑक्सीजन में सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो चुका है। पत्रकार, पुलिस, आमजन कोई भी महफूज नहीं है। कानपुर में घटना हुई जिसमें 8 पुलिस वाले मार दिए गए सरेआम। पत्रकार रतन सिंह के साथ जो हुआ और भी पत्रकारों के साथ हुआ, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में रह ही नहीं गई है। जब पुलिस को सरेआम मार दिया जा रहा, पुलिस लोगों को मार दे रही है इनकाउंटर में, कोई मामला नहीं है, उसके लिए अदालतें बनी हुई हैं, लेकिन पुलिस जो है किसी को उठा ले रही है और उसको मार करके इनकाउंटर दिखा दे रही है। तो रतन सिंह की हत्या जो हुई है उसमें आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त विरोध किया है, और उसमें मांग किया है कि उनके परिवार को 50,00,000 रुपए की राशि दी जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।